नमस्कार दोस्तों, विगत सप्ताह अपने देश में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और इन घटनाओं में सर्वोपरि रहा चांद के ऊपर भारत का सॉफ्ट लैंडिंग। सभी इस खुशी को जश्न मनाते रहे और इस बड़ी वैज्ञानिक सफलता का श्रेय लेते रहे। सबसे बड़ी बात तो तब हुई जब वैज्ञानिकों को जितना फोकस मिलना चाहिए उतना नहीं मिला और राजनेता छाए रहे या फिर हमारे मीडिया कर्मी अपनी राग अलापते रहे और वैज्ञानिकों को दरकिनार करते रहे। चलिए, ये तो होना ही था भाई, जिसका खाते हैं गुण तो उसी का गाएंगे। विज्ञान के क्षेत्र की यह सफलता निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस प्रकार के प्रयास में भारत पहला देश बन गया जो दक्षिणी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में कामयाब हुआ और वो हमारा काम कर रहा है। चलिए, सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र। आगे महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि शिक्षा का दुकान खोलने वाले कुछ लोग शिक्षा के नाम पर क्या शिक्षा परोसते हैं, उसका उदाहरण देखने को मिला जब एक शिक्षिका के सामने और शिक्षिका के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि एक दूसरे वर्ग के बच्चे को थप्पड़ मारा जाए, और बार बार से तीन बच्चों ने ऐसा काम किया जो महिला शिक्षिका के उकसाने पर किया गया। और फिर इसके बाद शुरू हुई इसकी लिपाई पुताई और मामले को दबाने की। आनन फानन में पुलिस का भी बयान आ गया जो ये घटना की संज्ञान प्राप्त हुई है और हम छानबीन कर रहे हैं और आगे क्या होना है वो सब जानते ही हैं। शिक्षा जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और शिक्षक इस शिक्षा देने की जो परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा है, उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और जब शिक्षक और शिक्षिकाएं ही ऐसे निकले जो भस्मासुर निकले, जो द्रोणाचार्य निकले, जो अपने बच्चों के मान और सम्मान का इज्जत नहीं है, उस शिक्षिका और शिक्षक का क्या इज्जत हो। इस पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे और कर भी रहे हैं, जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री कुछ बोलेंगे। अरे भैया, क्यों मुंह खुलवा रहे हो? मुंह खुलवाओगे, आपकी कमज़ोर नसें, कमज़ोर नब्ज पर मंत्री महोदया हाथ डालेगी और आपको याद दिला देगी कि आपके साथ जेल में क्या हुआ था। पर्सनल अटैक होगा और मुद्दे से फिर आपको भटका दिया जाएगा। वैसे भी मंत्री महोदया बोलती है, यदा कदा मुंह खोलती है, जब मौका मिलता है तो खोलती है, हमेशा नहीं बोलती है, जो अच्छी बात भी नहीं है, और जब बोलती है तो बोलती है। इंतज़ार कीजिए कब ज्वालामुखी फटती है, कब विक्रम लैंडर की तरह सॉफ्ट लैंडिंग होता है और कब लूना 25 की तरह क्रैश होता है, आग बबूला होती है। मुद्दे तो आने दीजिए, राहुल गांधी का कोई कार्ड देख लीजिए, कुछ भी बोलेंगे तो फूट पड़ेंगे, बाकी समय निष्क्रिय। न बाल से मतलब, न महिला से मतलब, मतलब है तो राहुल गांधी के विकास से मतलब। अब उसके बाद भी एक बात आती है, तीसरी घटना, कि कुछ लोग ये कहा जो चंद्रयान की सफलता के दौरान मीडिया का कवरेज वैज्ञानिकों के ऊपर कम था और हमारे विशेष शेर के ऊपर ज़्यादा था, और शेर महोदय हर जगह अपने चुनावी अभियान को कायम करते हैं। तो ये बात तो ठीक ही है, उनको हवा में घूमने का ज़्यादा अनुभव है, दूर दूर तक जाने का अनुभव है, जाने अनजाने प्लेस पे लैंड करते रहते हैं, तो आज ऐसा भी हो सकता है चांद पे भी लैंड कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी छा सकते हैं। भाई, देश उनका, राष्ट्र उनका, गुणगान उनका, मीडिया उनका, माइक उनका, तो फिर तीसरा का क्या इसमें योगदान हो सकता है। शिक्षा जगत की दूसरी महत्वपूर्ण घटना कटुआ से देखने को मिला, जहां इसी प्रकार की घटना हुई और प्रिंसिपल और शिक्षक के द्वारा, बच्चों के द्वारा
ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे जाने के प्रतिरोध में शिक्षक और प्रिंसिपल ने मिलकर बच्चों की अच्छी धुलाई कर दी। अब ये परंपरा और इस प्रकार की घृणित मानसिकता का उपज का मुख्य कारण है हमारी गोदी मीडिया, जो कई वर्षों से इसी प्रकार के मसाले, इसी प्रकार की मैटर लगातार परोस रही है और हमारे समाज को जहरीला बना रही है और समाज में जहर को फैला रही है। अब बच्चों के मन में इसका क्या असर होता है, चाटा मारने वाले या मार खाने वाले दोनों की मानसिक स्थिति में बहुत बदलाव आता है। लोग इस बात से बड़े हताहत हैं जो आखिर हमारे ये मामले और इस प्रकार की क्षुद्रता अब बच्चों के बीच फैलती जा रही है और हमारे बच्चे और उस कार्य को करवाने वाले शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये बड़े ही शर्मनाक बात है। कहा गया बुलडोजर न्याय, ऑन स्पॉट न्याय कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ लिपापोती चलता रहता है। सत्ता को बचाना है, देश को बचाना है, नेता को बचाना है, समाज